हेलो फ्रेंड्स, सविता किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अजवाइन वाली कचौड़ी बनाने। तो चलिए शुरू करते हैं अजवाइन की कचौड़ी बनाना। अजवाइन की कचौड़ी बनाने के लिए हमने एक कटोरी आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। एक चम्मच हमने अजवाइन लिया है, नमक अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। घी लिया है मोयन के लिए, गूथने के लिए पानी, तलने के लिए रिफाइंड ऑयल। आटे को हम छन्नी में छान लेंगे। छानने से यह होता है कि कोई भी गांठ नहीं रहता है आटे में। आटा हमने छन्नी में छान लिया है। अब हम इसमें अजवाइन को हाथ पे क्रश करके मिलाएंगे। ऐसे क्रश कर लें ताकि इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। अब हम इसमें घी डालेंगे। इसमें हम घी डाल लिए हैं। इस चम्मच से हमने 5 चम्मच घी डाला है। इसको हम मिलाएंगे अच्छे से। इसको हम दोनों हाथों से मिला लेंगे। मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है। ये देखिए, ऐसे गांठ बननी चाहिए। अब हम इसमें पानी डाल के आटा गूंथेंगे। इसको हम रोटी से थोड़ा सा आटा टाइट गूंथेंगे। हमने आटे को गूंथ लिया है। ये देखिए, हल्की टाइट होनी चाहिए आटा। अब हम इसको 10 मिनट ढक के रख देंगे सेट होने के लिए। देखिए दोस्तों, आटा हमारी सेट हो गई है। अब हम चलते हैं कढ़ाई को गरम करने। कढ़ाई हमारी गरम हो गई है। अब हम इसमें रिफाइंड डालेंगे और धीमी आंच पे छोड़ देंगे। अब हम इसकी लोई काटेंगे आटे की। कचौड़ी बनाने के लिए लोई हम छोटी छोटी काटेंगे। ये देखिए, इस साइज की। तेल हमारी गर्म हो रही है, आंच को हम मीडियम कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा तेल निकाल के चकले पे डाल देंगे। इस पर हम कचौड़ी को बेलेंगे ताकि कचौड़ी चकले में सटे नहीं। इसको बेलन में भी लगा देंगे। अब हम कचौड़ी को बेलते हैं। ये देखिए हमारी कचौड़ी, इस तरह से आप बेल सकते हैं। अब चेक करते हैं हमारी तेल गर्म हुई है नहीं। छोटा सा टुकड़ा आटा का डालेंगे इसमें। देखिए ऊपर आ गया ये आटा। हमने जो आटा का टुकड़ा डाला था, ये देखिए लाल हो गई है। तेल हमारे परफेक्ट गर्म हुए हैं। अब हम इसमें कचौड़ी डालेंगे। कचौड़ी को ऐसे हिलाते रहें, चलाते रहें, ऐसे दबाते रहें कलछी से। आंच को मीडियम रखें।
ये देखिए फ्रेंड कचौड़ियाँ हमारी फूल रही है। कचौड़ी को हम लाल करेंगे, ज़्यादा हमें इसे जलाना नहीं है। ये देखिए सात कचौड़ियाँ हमने बेल लिए थे, इसको हम छान रहे हैं। बाकी सारी कचौड़ियाँ आप इसी तरह बनाते रहिए। ये देखिए फ्रेंड हमारी सारी कचौड़ियाँ फूल गई है। आप चाहे तो ऐसी टोकरी में रख दें ताकि इसकी सारी तेल इस प्लेट में निकल जाए। हमारी कचौड़ियाँ रेडी हो गई है। आप इसे आलू की सब्ज़ी या अचार के साथ खा सकते हैं। मेरी वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।